नतीजा है। जितनी दुआएं और जितने फ़ोन आए, मैं पूरे बारामूला आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिन काउंसलरों ने मुझ पर एतमाद किया, फिर से भरोसा किया, और बीजेपी की बहुत कोशिश रही कि मुझे हराने की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो सक्सेसफुल हुए बीजेपी वाले, और उसके बाद आज भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका कैंडिडेट बने तनवीर अहमद पीर साहब। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने जीत हासिल की है। और बाकी मैं पहले से ही, मैंने जो हमने जो अहद किया है बारामूला की डेवलपमेंट के लिए, इंशाल्लाह ताला इसको ज़ोर शोर से हम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटी का जो बेसिक हमारा जो मैंडेट है वो होता है कचरा साफ़ करना, तो जो म्यूनसिपैलिटी का कचरा था वो तो हम साफ़ कर रहे हैं, और जो यहाँ पे कचरा है उसको भी हमने आज साफ़ किया, और जो आने वाले इंतखाबात में जो कचरा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उस कचरे को भी हम बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह ताला लोगों की मदद से। और आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम सब की पूरी कोशिश रहेगी, हम बारामूला की खिदमत करें। और मैंने पहले ही बोला कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम बाकी चीज़ें जो होती थी उसके खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, जो मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट साहब है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे हमारे, जब मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब मैं हारा था, मैंने वो पास नहीं कर पाया, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मिलने गए थे, और इनसे पूछिए, इनको बिना बोले वहाँ पे बीजेपी वालों ने माला डाली, उसी को लोग आज चुनेंगे। आज लोग पैसा नहीं लेते, ये जो मैंने म्यूनसिपैलिटी में देखा है, और इन सबको पता है मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और जो पैसे से हमें दबाने वाले लोग हैं ये उनकी हार है। वहाँ ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया है कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन्होंने हमें वो बाहर निकाला तो माले डाले, तो ऐसी बात ही नहीं थी। मैं एज ए एक्टिंग चेयरमैन गया था वहाँ डेलीगेशन लेकर, अपने काउंसलरों को लेकर, लेकिन और भी कुछ काउंसलर हैं जिनको उस टाइम वो उन्होंने माले पहने। तो अगर पहले मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर सियासत बिला मजहब व मिल्लत रंग व नस्ल, जहाँ पर लोगों का काम किया जाता हो वहाँ पर काम रुकते नहीं हैं, और रोकने वाले भी वही लोग होते हैं जो रंग पे, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो रंग और नस्ल पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं बिला मजहब व मिल्लत रंग और नस्ल, सियासत से बालातर होकर हम प्रो पीपल पॉलिटिक्स करते हैं, हम प्रो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा आइडिया है, और ये मैं आज बताना चाहूँगा कि जो एजेंडा है, एजेंडा डाइज बट आइडिया नेवर डाइज। हम एक आइडिया लेकर आए हैं, इंशाल्लाह हम तौसीफ साहब के साथ मिलकर उस आइडिया को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। नतीजा है, जितनी दुआएं और जितने फ़ोन आए, मैं पूरे बारामूला आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जिन काउंसलरों ने मुझ पर एतमाद किया, फिर से भरोसा किया, और बीजेपी की बहुत कोशिश रही कि मुझे हराने की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो सक्सेसफुल हुए बीजेपी वाले, और उसके बाद आज भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका कैंडिडेट बने तनवीर अहमद पीर साहब। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने जीत हासिल की है। और बाकी मैं पहले से ही, मैंने जो हमने जो अहद किया है बारामूला की डेवलपमेंट के लिए, इंशाल्लाह ताला इसको ज़ोर शोर से हम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटी का जो बेसिक हमारा जो मैंडेट है वो होता है कचरा साफ़ करना, तो जो म्यूनसिपैलिटी का कचरा था वो तो हम साफ़ कर रहे हैं, और जो यहाँ पे कचरा है उसको भी हमने आज साफ़ किया, और जो आने वाले इंतखाबात में जो कचरा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उस कचरे को भी हम बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह ताला लोगों की मदद से। और आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम सब की पूरी कोशिश रहेगी, हम बारामूला की खिदमत करें। और मैंने पहले ही बोला कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम बाकी चीज़ें जो होती थी उसके खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, जो मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट साहब है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे हमारे, जब मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब मैं हारा था, मैंने वो पास नहीं कर पाया, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मिलने गए थे, और इनसे पूछिए, इनको बिना बोले वहाँ पे बीजेपी वालों ने माला डाली, उसी को लोग आज चुनेंगे। आज लोग पैसा नहीं लेते, ये जो मैंने म्यूनसिपैलिटी में देखा है, और इन सबको पता है मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और जो पैसे से हमें दबाने वाले लोग हैं ये उनकी हार है। वहाँ ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया है कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन्होंने हमें वो बाहर निकाला तो माले डाले, तो ऐसी बात ही नहीं थी। मैं एज ए एक्टिंग चेयरमैन गया था वहाँ डेलीगेशन लेकर, अपने काउंसलरों को लेकर, लेकिन और भी कुछ काउंसलर हैं जिनको उस टाइम वो उन्होंने माले पहने। तो अगर पहले मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर सियासत
बिला मजहब व मिल्लत रंगो नस्ल, जहाँ पर लोगों का काम किया जाता हो वहाँ पर काम रुकते नहीं हैं, और रोकने वाले भी वही लोग होते हैं जो रंग पे, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो रंग और नस्ल पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं बिला मज़हब व मिल्लत रंग और नस्ल, सियासत से बालातर होकर हम प्रो पीपल पॉलिटिक्स करते हैं, हम प्रो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा आइडिया है। और ये मैं आज बताना चाहूँगा कि जो एजेंडा है, एजेंडा डाइज बट आइडिया नेवर डाइज। हम एक आइडिया लेकर आए हैं, इंशाल्लाह हम तौसीफ साहब के साथ मिलकर उस आइडिया को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे।